गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, आज हम हमारा फोर्थ चैप्टर प्लांट्स आवर ग्रीन फील्ड्स इसके बारे में स्टडी करेंगे। प्लांट्स आर कॉल्ड आवर ग्रीन फ्रेंड्स, यानी जो पौधे हैं वो हमारे ग्रीन फ्रेंड्स कहलाते हैं। बिकॉज ग्रीन प्लांट्स प्रोवाइड अस फूड एंड फ्रेश एयर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, यानी जो हरे पौधे होते हैं वो हमें भोजन और फ्रेश एयर प्रोवाइड करवाते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, किसकी प्रक्रिया के दौरान, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान, यानी कि वो हमें भोजन और फ्रेश एयर प्रोवाइड करवाते हैं। प्लांट्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, यानी पौधे जो हैं वो हमारे जीवन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। ग्रीन प्लांट्स मेक दियर ओवन फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिनरल्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी जो हरे पौधे होते हैं वो अपना भोजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस, पानी और कुछ खनिज पदार्थों की सहायता से सूर्य की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, इसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। प्लांट्स मेक फूड फॉर दियर ग्रोथ, यानी पौधे अपना भोजन अपनी वृद्धि के लिए बनाते हैं। एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर्ड इन स्टीम रूट्स लीव्स ईटीसी, यानी जो एक्स्ट्रा फूड होता है वो स्टीम रूट और लीव्स के अंदर स्टोर कर लेते हैं। दिस एक्स्ट्रा फूड इज ईटन बाई ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स, यानी ये जो एक्स्ट्रा फूड होता है ये ह्यूमन बींग्स मानवीय प्राणी और जीव जंतुओं के द्वारा खाया जाता है, जैसे कि फल के रूप में है, फूल के रूप में है ये हम, और स्टीम के रूप में भी होता है, रूट्स के रूप में भी होता है, तो ये हम यानी मानव प्राणी और एनिमल्स खाते हैं। पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, पौधों के पार्ट्स, ए प्लांट हैज़ मैनी पार्ट्स फॉर डिफरेंट फंक्शंस, यानी जो पौधे होते हैं वो अलग अलग फंक्शन के लिए उनके अलग अलग पार्ट होते हैं। ए प्लांट इज़ डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, यानी कि एक पौधे को टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, जैसे पहला है द रूट सिस्टम और दूसरा है द शूट सिस्टम। हम सबसे पहले रूट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। रूट इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट बिकॉज इट इज़ द बेस ऑफ प्लांट, यानी जो रूट है वो एक पौधे का इम्पोर्टेंट पार्ट होती है, क्योंकि जो रूट है वही प्लांट की बेस होती है। द रूट रिमेन्स अंडर द ग्राउंड, यानी रूट जो होती है वो जमीन के अंदर होती है। स्मॉल प्लांट्स है स्मॉल रूट्स, यानी छोटे पौधों की जड़ें छोटी होती हैं, और जो बिग प्लांट्स होते हैं जैसे ट्रीज हैव लॉन्ग एंड डीप रूट्स, यानी इनकी जड़ें जो होती हैं वो लंबी और गहरी होती हैं। दे स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शंस ओवर ए लार्ज एरिया टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड वाटर टू द प्लांट, यानी ये जो जड़ें होती हैं ये सभी डायरेक्शंस के अंदर यानी लार्ज एरिया में फैली हुई होती हैं, जो उसको स्ट्रेंथ प्रदान करती हैं पौधे को, एंड वाटर टू द प्लांट, और पौधे को पानी भी देती हैं। रूट्स आर ऑफ टू मेन टाइप्स, यानी जो जड़ें होती हैं वो मुख्य रूप से दो टाइप की होती हैं। सबसे पहले है टैप रूट और दूसरी है फाइब्रियस रूट। यानी टैप रूट होती है वो जो प्लांट होता है उसकी मेन रूट होती है, और फाइब्रियस रूट होती है गुच्छेदार या फिर उसको हम रेशेदार जड़ भी कह सकते हैं। अब सबसे पहले हम उसकी टैप रूट के बारे में स्टडी करेंगे। सम प्लांट्स हैव ए लॉन्ग मेन रूट, यानी कुछ पौधे जो होते हैं वो उनकी जो एक जड़ होती है मुख्य रूप से वो लंबी होती है। दिस इज कॉल्ड द टैप रूट, और वही क्या कहलाती है, टैप रूट कहलाती है। इट हैज़ मैनी स्मॉलर ब्रांचेज विद एंड इट टीनी रूट हेयर, यानी इस जो ये टैप रूट होती है इसके छोटी छोटी यानी बाल टाइप में इसकी शाखाएं होती हैं नीचे जो ज़मीन के अंदर होती हैं छोटी छोटी। वाटर मिनरल्स एंड साल्ट्स आर अब्सॉर्ब्ड बाय दीज रूट हेयर फ्रॉम सोइल, यानी पानी और खनिज पदार्थ और नमक ये जो है ये मिट्टी से ये जो रूट हेयर है ये सोख लेते हैं। हिबिस्कस मस्टर्ड बीन कैरेट रेडिस हैव टैप रूट, यानी हिबिस्कस है जिसको
गुड़हल भी कहते हैं हम लोग, ये एक फ्लोवर है। मस्टर्ड है, सरसों, बीन फलियां हैं, कैरेट, गाजर है, रेडिश, मूली, इनके क्या होती है, एक टैप रूट होती है, फाइब्रस रूट। सम प्लांट्स हैव ए ग्रुप और क्लस्टर ऑफ स्मॉल रूट, यानी ये जो फाइब्रस रूट होती है, रेशेदार जड़ होती है, इन इनमें से कुछ पौधों का क्या होता है कि हैव ए ग्रुप और क्लस्टर ऑफ स्मॉल रूट्स, यानी कि एक समूह होता है छोटी छोटी जड़ों का, दे आर कॉल्ड फाइब्रस रूट्स, इनको हम रेशेदार जड़ या फिर फाइब्रस रूट भी कह सकते हैं। जैसे कि ग्रास है, राइस है, व्हीट है, शुगर केन है फाइब्रस रूट।